जब मेरा MBBS ख़त्म हुआ, मेरी हाउस जॉब भी ख़त्म होगी और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर आप उनको समझ लग गया कि आप उन्हें अब क्या करना है। अब आप उन्हें CSS करना है। अब आप उनको दो गाड़ियाँ आगे चाहिए, दो गाड़ियाँ पीछे चाहिए, दो गाड़ियाँ लेफ्ट में चाहिए और दो गाड़ियाँ राइट में चाहिए। रात के 11 बजे मैं, आदिल और वासे, तीनों जॉबलेस, तीनों अनएम्प्लॉयड इकट्ठे हुए खोखे पे और हमने डिसाइड किया कि अब आप उनको ब्यूरोक्रेट बनने का है। तो अभी हम CSS की प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे थे तो एकदम ना फिजान की कॉल आ गई। फिजान भी मेरे साथ ना कॉलेज में होता था, बड़ा दूर दराज के इलाके में था, कोई इतना खास दोस्त नहीं था, मैं भागता था। एकदम कॉल करके ना आदिल कहता है, यार कहो यार तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हमने कहा, यार हम जरा तीन दोस्त इकट्ठे हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। कहते क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो? हमने कहा, यार हम ना आप CSS देने का सोच रहे हैं। कहते हो यार तुम लोग CSS देने लोगे? प्लीज़ यार मुझे भी अपने इन्वॉल्व कर लो ग्रुप में, यार मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहता हूँ। हमने कहा, यार ठीक है यार फिजान, अभी सोचते हैं यार, हम जरा तुझे बाद में बताते हैं। हम जरा बड़ा कूल सा ग्रुप था और हम उसे ऐड करना नहीं चाहते थे। फिर कहते यार तुम लोग कौन सी अकेडमी जाओगे? हमने कहा, यार अभी हमने सोचा नहीं, मगर देखते हैं, यहाँ एक दो अकेडमीज हैं, वहाँ चले जाएंगे। कहते यार मैं तो किप्स पे आने लगा हूँ यार, क्या किप्स का एनवायरनमेंट है, CSS का उनका क्या रिजल्ट होता है, उनका हेल्प डेस्क का सिस्टम है, आपका कोर्स खत्म भी हो जाए ना फिर भी उसके बाद आप अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा के चेक करवा सकते हो, यार ऐसा तो होता ही नहीं। हमने कहा, यार चल यार हमरे को ना बता, हमरे को करने दो जो हम करना चाहते हैं यार प्लीज़। तो हमने फ़ोन बंद कर दिया। फिर हम सारे अपने अपने घर गए, मैं अपने घर गया हूँ, जॉबलेस था, अनएम्प्लॉयड था, घर गया हूँ। अब्बा जी वैसे ही बड़े गर्म थे यार कि कमा नहीं रहा, इतना साल पड़ गया, डॉक्टर 6 साल हो गए और खत कमा नहीं रहा। तो मैं गया हूँ तो अब्बा बड़े गुस्से से बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं उनके साथ जाके खड़ा हूँ। अब्बा मुझे ऐसे करके देख रहे और मैं खड़ा हूँ। तो अब्बा ने कहा, क्या प्लान है फिर तुम्हारा, क्या कर रहा है तुमने आगे? तो मैंने उसे कहा, डैड मैंने अब CSS करने का सोचा है। तो अब्बा आगे से कहते, बेटा बैठ के बात करो ना, बैठो। तो एकदम अम्मा पानी की जगह मेरे लिए चाय ले आए यार, एकदम गाला की जगह ओरियो आ गए यार। मैं अगले दिन उठाऊँ तो मेरे अब कॉल में रिश्तेदार को बता रहे, हाँ मेरा बेटा अब CSS देने लगा इंशाल्लाह, आओ आओ अगले साल कर दागे तो आड़ी ट्रांसफर कर दागे, उन्हें DSP बन जा रहे। महफिलों में जाऊँ तो TSP करके बुला रहे यार मुझे। और इसमें क्या एक प्राइड था, अभी सिर्फ यही कहना मैं CSS की तैयारी करूँ, सिर्फ ये कहना यार। इसके पीछे मेरे ना गांव में कंडन से आने, वहाँ एक ना मेरा रिश्तेदार रहता दूर का, उसको भी पता चला कि मैं CSS दे रहा हूँ। उसकी लड़ाई हुई एक बंदे से, उसने पकड़ के उसके सर में पत्थर मार दिया और खून निकलने लग गया, और मेरा कजन खुद पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस स्टेशन जाके बैठ गया। तो पुलिस वाला भी परेशान, पुलिस वाले कहता, भाईजान आपने उसके सर में पत्थर मारे, आप इस तरह आ गए? कहता, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहता, मैं आपका क्यों नहीं कुछ बिगाड़ सकता? कहता, मेरा कजन है ना लाहौर में। कहता, जी। कहता, वो CSS कर रहा है। वो बैज, मुझे पुलिस वाले की कॉल है यार सच में, वो मुझे कह रहा है कि सर ये आपके ना कजन बैठे हुए हैं सामने रशीद, और ये कह रहे हैं कि आप CSS कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार अभी CSS कर रहा हूँ यार, अभी किया नहीं, अभी सिर्फ कर रहा हूँ यार। तो खैर फिर हम 6 महीने बाद मामूल के मुताबिक सारे दोस्त दोबारा इकट्ठे हुए, ठीक है। तो जो आदिल था उसकी अटैम्प्ट पास होगी शादी की, और जो वास्ते था उसकी अटैम्प्ट फेल होगी, और जो मैं था, मैंने कहा यार मैं अभी माइंड बना रहा हूँ, अभी माइंड। यार CSS के ना दो जोन होते हैं, एक होता है आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और एक जोन होता है आप CSS की तैयारी का सोच रहे हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। आदिल कह रहा है, यार मैं ना आप नेक्स्ट ईयर देता हूँ इंशाल्लाह। मैंने भी कहा, मैं तेरे साथ नेक्स्ट ईयर दूंगा, अभी मैं छोटी मोटी तरह जॉब करूँ। और वासे ने कहा कि यार मैं दोबारा आप इस बार दूंगा, और इस बार मैं अपनी अकेडमी चेंज कर लेता हूँ। पहले वो किसी वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी जा रहा था, तो अब वो कह रहा था कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ एक और अकेडमी है जो दूर से कह रही है नाओ नाओ, तो वहाँ जाना चाह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम जब बैठे, हमें फिजान की दोबारा कॉल आई। फिजान कॉल करके कहता है, यार क्या हुआ यार तुम लोगों के CSS के रिजल्ट का यार? तो हमने कहा, यार क्या छापड़ी बोला, क्यों पूछ रहा है यार अब से? हमने कहा, यार तेरे को क्या क्या पूछना चाह रहे हो, तो तू तेरा हो गया पास? कहता, नहीं यार मैंने दिया यार, फैमिली के बड़े इश्यूज थे, मगर किप्स ज्वाइन की थी यार उनका 4 महीने का सेशन, और अब ना मैं सिर्फ असाइनमेंट्स जमा करवा रहा हूँ और मुझे इतना फायदा हो रहा है। हमने कहा, यार ठीक है यार ना बता यार, हमें पता है हमने क्या कर रहा है। कहता, यार अब ना ये कोविड के दिनों में उनका LMS आया है, एक नया स्टेट ऑफ आर्ट सॉफ्टवेयर, जहाँ ऐसे वो ग्लास बोर्ड और नियॉन पेन से साउंड प्रूफ रूम में लेक्चर दे रहे, क्या क्लैरिटी यार। हमने कहा, यार ठीक है आगे होंगे लेक्चर, हम क्या करें यार, हमें पता है हमने कहाँ जाना है। क्या, नहीं यार तुम लोग भी ना किप्स चलो यार, हो जाएगा किप्स। हमने कहा, ब्रो हमें ना बता हमें क्या कर रहे हैं, अगर तेरे में आधा दिमाग भी है ना तो तू किप्स ना जा। मगर उसमें पूरा दिमाग था इसलिए वो किप्स गया, दिमाग आधा हमरे में था जो हम नहीं गए, ठीक है। तो फिर अब वो तैयारी कर रहा है किप्स से, मेरा एक दोस्त वही वर्ल्ड टाइम से लगा हुआ है, एक वही और दूसरी अकेडमी जो इस्लामाबाद में, उधर से लगा हुआ है। जाने से पहले ना मैंने अपने दोस्तों को पत्थर वाला वाक्य बताया कि पावर के पीछे मेरे रिश्तेदार ने किसी का सर फाड़ दिया और मेरा नाम ले रहा है कि CSS की तैयारी कर रहा है, लोग कैसा मिसयूज़ करते हैं पावर का। तो हालांकि वो रिश्तेदार मुझे मुंह भी नहीं लगाता था, और जब उसे पता चला कि मैं CSS कर रहा हूं तो वो मेरा नाम लेके आगे से खुद ये इस तरह की बेनिफिट्स ले रहा है। यार ऐसे ऐसे इतने सेल्फिश लोग होते हैं यार। हमने कहा, हमने ना पावर का मिसयूज़ करना है, हमने मुल्क की खातिर CSS करना है, और ना ही हमने सेल्फिश होकर किसी का नाम लेना है, बहुत ही गलत बात है यार। तो ठीक है हम सारे चले गए। अब हम मिले 6 महीने बाद, दोबारा हम खोखे पे बैठे इकट्ठे, ठीक है। तो आदिल आया, आदिल की दूसरी अटेम्प्ट भी होगी, बच्चा हो गया, ठीक है।
और जो वासे था उसकी दूसरी अटैम्प्ट डी होगी फेल, और जो मैं था मैं अभी सोच रहा था सी एस एस दूँ या ना दूँ। वैसे तो मैं साथ साथ एफ सी पी एस और प्लैब वन दे रहा था, प्लैब वन मैं दे चुका हुआ था, मगर मैं अभी सिर्फ सोच रहा था। मैं सोचने के लिए टाइम चाहिए यार, एकदम नहीं है सी एस एस करना कर लो, मैं टाइम मांग रहा हूँ टाइम यार, ठीक है टाइम। तो अब जो था जो 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 वासे था वो थोड़ा सा ना डिसहार्ट हो गया था, दो दफ़ा उड़ गया ना। वैसे सी एस एस में जो एक दफ़ा भी उड़ जाए ना उसका भी बड़ा एक वो रहता है, रोब रहता है, सी एस एस एक दफ़ा फेल हुआ, ये एक रोब है सी एस एस ना एक दफ़ा फेल हुआ, मगर अब दो दफ़ा उड़ गया था, अब लास्ट ट्राई थी यार। वो कह रहे हैं अकेडमी से तो ट्राई कर ली, क्या करूँ यार। और जो आदिल था ना उसकी ट्राइज कर रहा था मगर वो कहीं और कर रहा था, वो कहीं और ट्राइज करी जाता जहाँ उसको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिल रहा था। अपन अपन मेडिकल में लगा होता था, अपन ना मेडिकल में था, बस अपन बैठ के ना बातों का मजा ले रहा था। तो हम बैठे हुए ना दोबारा फैजान की कॉल आया। अब हम बैठे, हमने कहा यार क्या कॉल करता है, पीछे ही पड़ गया तैयारी करने का यार, चलो ना ऐसे कॉल उठा के ना ऐसे कहते हैं कि इस बार हमारे साथ ही तैयारी कर ले, आज आज ही साथ कर। हमने ठीक उठाया, वास्ते ने उठाया, उस वास्ते कहता है यार आ जा यार फैजान, कर लेते हैं मिलकर तैयारी। ठीक है यार कितनी कॉल्स करेगा, हर बार तू कॉल करता है, हर बार तू कॉल करता है। तो फैजान कहता है और नहीं यार मैं तुम्हें बताना था, मेरा ना रिटर्न पास हो गया यार सीएसएस का यार। हमने कहा तेरा रिटर्न पास हो गया, तू 4 महीने किप्स गया था, फिर तो तू चला गया था वापस यार, तो उधर तो किप्स भी नहीं है जिस इलाके में तू गया था। तो कहता है यार मैं फिर उनके ऑनलाइन लेक्चर सुनता रहा हूँ ना यार, वो बहुत अच्छे थे, और अब मैं वापस आ रहा हूँ किप्स, अब इनकी जो इंटरव्यू की सहूलत है वो फ्री है यार, फ्री में इंटरव्यूज लेते हैं जब तक हमारा सीएसएस का इंटरव्यू ना हो जाए, मैं वो दूंगा। हमने कहा क्या हो गया यार, फिजान का हो गया यार, वो किप्स जाके उसका एडमिशन हो गया यार, हम इधर खज्जल खवार होते रहे, हमारी प्लान, मेरी तो प्लानिंग ही खराब थी, मेरे दोस्त खज्जल खवार होते रहे दूसरी अकेडमी, वो किप्स जाके ना रिजल्ट ले आया जो उसको चाहिए था। ठीक है तो अब हम तीनों दोस्त बड़े यार थोड़े से डिसहार्ट हो गए ना, दोस्त का हो गया यार डिसहार्ट हो गए, डिसहार्ट हो गए हम जा रहे हैं। तो हम रुके हैं, तो हमें ना एकदम ना बोर्ड नजर आया, ये जोहर टाउन कैंपस के बाहर से किप्स, उधर ना इन्होंने ना इन्होंने उसका भी बोर्ड लगाया था अपने फैजान की, उसकी शक्ल लगी थी उधर बहुत बड़ी। ठीक है रिजल्ट भी लिखा हुआ था कि 125 में से 115 बचे किप्स के जिनका हो गया, जो किसी तरह एसोसिएटेड थे, बेशक वो किप्स के आगे से गुजरे हों या उन्होंने एक सेशन ज्वाइन किया हो मगर वो किप्स से एसोसिएट थे। ठीक है तो हम खड़े हुए साथ, हम कोने से गोलगप्पे खा रहे हैं, गाड़ी खड़ी की हुई है, तो एकदम एक वार्डन आ गया। वार्डन कहता भाई जी आपने ना इधर गाड़ी गलत खड़ी की है। हमने कहा भाई हमने ऐसी गलत खड़ी है। कहता जी भाई आपने बहुत देर से खड़ी की, अब आपको चलान होगा। हमने कहा ऐसी चलान होगा, थोड़ी सी टस्सल होगी। कहता भाई जान आप गलत हैं, आपने लॉ को तोड़ा, अब आपको चलान होगा। हमने कहा ऐसी चलान होगा। कहता जी मैं आपको चलान लिख लूँ। हमने कहा आप हमें चलान बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। कहता मैं आपको चलान क्यों नहीं लिख सकता, मैं तो ये लिख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहता मैं आपका क्यों नहीं बिगाड़ सकता। वो देख रहे हैं ना वो जो फोटो लगी है। कहता वो दोस्त है हमारा, सीएसएस पास किया उसने, अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।